नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल, इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सिंदूर तिलकित भाल कविता की व्याख्या। आप सभी जानते हैं कि जो बाबा नागार्जुन थे वो प्रवासी के नाम से जाने जाते थे और बहुत समय तक वो घर से दूर एक प्रवासी का जीवन जीते थे। और ऐसे समय पर जब उनको घर की याद आती थी, अपनी पत्नी की याद आती थी, अपने समाज और अपने गांव की याद आती थी, तो उस समय ये कविता लिखी गई है। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यहां पर कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसी परिस्थितियों ने घोर निर्जन में डाल दिया है, ऐसी जगह डाल दिया है जहां मैं घर से बहुत दूर हूं, और ऐसे समय पर मुझे तुम्हारा ये सिंदूर से तिलक किया हुआ जो माथा है, मस्तक है, वो याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। यहां पर कवि प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको समाज नहीं चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति समाज चाहता है। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। और यहां भी कवि नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य नहीं पड़ता, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, चाहिए किसे नहीं सहयोग। और कवि कहते हैं कि किसे सहयोग नहीं चाहिए, दूसरे का सहयोग हर किसी को चाहिए, चाहिए किसको नहीं सहवास, और किसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी का सहवास, किसी का साथ नहीं चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति संसार में अकेला नहीं रह सकता, और दूसरे व्यक्तियों का सहयोग, उनका सहवास, दूसरों के साथ जो कार्य है और समाज, वो सभी हर व्यक्ति को चाहिए। और कवि आगे कहता है कि कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए या उच्छ्वास। यानी कवि कहता है कि जो वियोग से उत्पन्न जो श्वास होती है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है कि जब उसको वियोग हो, दुख हो, और उसमें जो एक उसके दुख की जो सांस निकले वो शून्य में टकराए। यानी हर व्यक्ति अपने दुख को दूसरों से बांटना चाहता है, अपने आप को शून्य में कोई भी नहीं गिराना चाहता। कवि आगे कहता हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कवि कहता कि मैं पाषाण नहीं हो गया हूं, मैं पत्थर दिल नहीं हूं। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। कवि कहता कि मैं ऐसा पत्थर दिल नहीं, ऐसा पाषाण नहीं हूं, मैं पत्थर नहीं बन गया हूं जिसको कहीं भी कोई डाल दे ना तो वो कोई विरोध करेगा और न कुछ अनुरोध करेगा। यानी मैं ऐसा पत्थर नहीं, यानी पत्थर को जैसे हम कहीं भी फेंक देते हैं लेकिन पत्थर कोई विरोध नहीं करता और कुछ भी बदले में नहीं चाहता, लेकिन कवि कहता कि मैं पाषाण नहीं हूं कि मुझे कोई कहीं भी डाल दे और मैं कुछ भी विरोध नहीं करूंगा। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहां से निश्वास। और कवि कहता कि जो पत्थर होते हैं उनके अंदर वेदना नहीं होती, दुख नहीं होता, इसलिए उनके अंदर जो पीड़ा से भरी जो श्वास है वो नहीं निकल सकती, निश्वास यानी पीड़ा से भरी हुई सांस। कवि कहता कि मैंने साधारण सचेतन जंतु, यहां हाना किंतु और परंतु, यहां हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहां मैं सुख दुख का अवभूत। कवि कहता कि मैं एक साधारण जंतु यानी एक साधारण सचेतन प्राणी हूं, सचेतन जिसके अंदर चेतना होती है, मैं ऐसा प्राणी हूं। यहां ना हाना किंतु और परंतु, यहां हां और ना किंतु और परंतु वो सारी चीजें हैं। यहां हर्ष और विषाद, क्रोध, चिंता, यानी क्योंकि मनुष्य है तो यहां पर हर्ष भी होगा, खुशी भी होगी, विषाद यानी दुख भी होगा, चिंता भी होगी और
क्रोध भी होगा। यानी ये जो मानव स्वभाव है वो हमारा हमारे साथ ही रहता है। यहाँ है सुख दुख का अवबोध, और कवि कहता है कि यहाँ पर सुख और दुख का भी अवबोध यानी ज्ञान मुझे है, यानी सुख भी मुझे महसूस होता है और दुख भी महसूस होता है। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यानी मैं प्रत्यक्ष भी देख सकता हूँ, सामने भी देख सकता हूँ और अनुमान भी लगा सकता हूँ। यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कवि कहता है कि मुझे स्मृति और विस्मृति यानी जो याद है और जो भूल है वो सभी मेरे में अपने स्थान पर हैं। यानी जो चीजें याद रखनी चाहिए वो भी मैंने याद रखी हैं, जो भूलनी चाहिए वो सभी भी भूल गए हैं। तभी तो याद आती प्राण, और वो अपनी प्रियतमा यानी अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि ऐसे समय पर तुम याद आ रहे हो, प्राण से संबोधित करता हुए। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, और वो कहता है कि मैं पाषाण पत्थर नहीं हो गया हूं। याद आते स्वजन, मुझे भी अपने जो स्वजन हैं, अपने परिवार के लोग हैं वो याद आते हैं, जिन किसने से भेगी अमृत में आंख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाख। और जिसकी जिन किसने से भेगी, जिनकी प्रेम से भीगी हुई अमृत में आंख, यानी अमृत के समान जो स्नेह में भीगी हुई जो आंखें हैं वो उसकी स्मृति विहंगम को कभी न थकने देगी पाख। यानी जो पक्षी की याद रूपी जो पक्षी होता है उसके जो पंख हैं उसे कभी थकने नहीं देते। याद आता है मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां व्याम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। और कभी अपने गांव को याद करता है, वह कहता है कि मुझे वो तरुणी गांव जो याद आता है, और लेखक के यानी कवि के गांव के अंदर लीचियां और आम बहुत मात्रा में उगते हैं लगते हैं, तो वहां पर वो उन लीचियों और आम यानी इन फलों को याद करता है। और मिथिलांचल के रहने वाले थे ये, जो कि बिहार का एक इलाका है। वो कहते हैं कि मुझे वो मिथिलांचल के जो रुचिर भूभाग यानी बहुत सुंदर भूभाग हैं वो भी बहुत याद आते हैं। याद आते हैं धान, और जो धान के हरे भरे खेत हैं वो भी याद आते हैं। याद आते कमल कुमुदनी और तामल खान, और जो वहां के जो जो तालाब होते हैं उसके अंदर जो कमल के कुमुदनी के और तामल खान के जो फूल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। याद आते सस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वो नाम। और ऐसे जनपदों के, जनपद वहां पर जो कस्बे और जिले को बोला जाता है, सस्य श्यामल यानी हरे भरे जो जनपद हैं उनके नाम उनके रूप और गुण के अनुसार ही रखे गए हैं, और वो सभी कवि को याद आते हैं। याद आते हैं वेणुवन के, नीलिमा के नीले अति अभिराम, धन्य है वे जिनके मृदुल अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक। और कवि कहता कि जो वेणुवन है, जो मिथिलांचल का जो एक इलाका वेणुवन है, उसके अंदर जो बहुत नैनों को अभिराम देने वाले अभिराम, बहुत सुंदर अति अभिराम, बहुत सुंदर जो घर हैं वो भी बहुत याद आते हैं। धन्य है मृदुलतम अंक, और वो ऐसे जो बहुत ही मृदुल कोमल जो गोद है जो मेरे लिए पलंग बने थे, प्रियंक यानी पलंग, यानी कवि जहां पर उन खेतों के अंदर सोया था जो कवि के लिए एक पलंग के समान बने थे। धन्य है वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी भाजी साग। और कवि जो वहां की वनस्पतियां हैं उनको याद करता है, उपज है याद उनको याद करता है, और उन उपज के भागों में अन्न, वहां का जो अन्न है, वहां का जो पानी है, वहां की भाजी और साग यानी साग सब्जियां हैं उनको भी याद करता है। कवि आगे कहता है कि फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुवास। और कवि कहता कि वहां की मेरे जो जनपद की मिट्टी के अंदर जो फूल हैं, फल हैं, कंद मूल हैं, और जो मधुमास यानी वहां का जो बसंत की ऋतु के
जो अलग अलग प्रकार के फूल हैं वो भी मुझे याद आते हैं, विपुल उन कारण, और उनका जो ऋण है वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर है। सदा सकता मैंने दशमांश, और उसका दसवां अंश भी मैं वापिस नहीं कर सकता। कवि आगे कहता है कि ओ यद्यपि पड़ गया हूं दूर उनसे आज। कवि कहता है कि मैं अभी उनसे दूर आ गया हूं, जो खेत खलिहान थे उनसे दूर आ गया हूं। हृदय पर आ रही आवाज और मेरे दिल पर एक आवाज आ रही है, धन्य वे जन, धन्य वही समाज। और वो जो व्यक्ति है वहां के वो भी धन्य है, वो समाज है वो भी धन्य है। यहाँ भी तो हूं मैं न असहाय। कवि कहता है कि जहां पर मैं हूं अभी वहां असहाय नहीं हूं, वहां पर बिना मदद के नहीं हूं। यहाँ पर भी व्यक्ति और समुदाय है, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, यानी समाज भी है व्यक्ति भी है, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन कवि आगे कहते हैं किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। कवि कहता कि मैं यहाँ पर चाहे पूरी जिंदगी रह लूं लेकिन फिर भी मैं उनके लिए प्रवासी ही रहूंगा, दूर देश का निवासी ही रहूंगा, और वो मुझे प्रवासी ही कहेंगे। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, अगर मैं यहाँ पर मर भी गया मृत्यु भी होगी तो। कवि कहता कि दो फूल यहाँ पर मेरे चिता पर वो डाल देंगे, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि कहता कि समय जो है अपनी गति से, निर्बाध गति से, बिना रुके अपनी चाल चलता रहता है, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक। वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तुम मेरी मृत्यु के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे एक अंदर एक हुक उठेगी, यानी पीड़ा की एक पीड़ा का स्वर उठेगा, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। और कवि कहता है कि अपना अनुमान लगाता है कि मेरी तस्वीर दीवार पर होगी और वो मेरी पत्नी के सामने होगी, लेकिन वो तस्वीर में होगी और वो बोल नहीं पाएगी। संध्या नभ में पश्चिम समान, लालिमा का जब करुण आख्यान। कवि कहता है कि संध्या नभ में, यानी शाम के समय जो जो आकाश है, पश्चिम का आकाश, वो जिस प्रकार का लालिमा युक्त होता है, ऐसा ही करुण आख्यान और ऐसा ही जो करुणा से भरा हुआ इस प्रकार का वर्णन है, लालिमा सुना करता हूं सुमुखी उस काल। और वो सुमुख यानी सुंदर मुख वाली, सुंदर चेहरे वाली, ऐसा मैं सुना करता हूं उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। और वो कहता है कि तुम्हारा जो शाम के समय का, जिस प्रकार से सूर्यास्त के समय का आकाश होता है लालिमा युक्त, वैसे ही मुझे आपका ध्यान आता है, और तभी मुझे तुम्हारा सिंदूर से तिलक किया हुआ माथा याद आता है। इस प्रकार से वो अपनी पत्नी, अपने समाज और अपने जो वहां का जो परिवेश है उसको याद करते हुए बाबा नागार्जुन सिंदूर तिलकित भाल कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि और अपनी प्रियतमा, उन दोनों को याद करते हैं, क्योंकि वो प्रवास पर थे, घर से बहुत दूर थे, और ऐसे समय पर जब उनको याद आ रही थी तो ये कविता लिखी गई थी। ये कविता आशा है आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।